राखी सावंत ने जब मुझसे शादी की तो उनका तलाक नहीं हुआ था। जेल से बाहर निकलने के बाद आदिल ने किए कई सारे खुलासे बताए राखी सावंत के बारे में, कई सारे राज दिखाया, कहानी का दूसरा एंगल भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रिया। हाल ही में जो है आदिल खान अब जेल से बाहर निकल चुके हैं। राखी सावंत जो उनकी बीवी हैं या फिर यूं कहूं उनकी पत्नी हैं, उन्होंने उनके ऊपर मानहानि का केस लगाया था। डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाने के बाद उन्हें जेल हो गई थी, जिसके कारण वो जेल में बहुत ही लंबे समय से कैद थे। अब उन्हें रिहाई मिल चुकी है और इन दोनों वो सुर्खियों में चल रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप्स को लेकर। आपको बता दें, आदिल जेल से निकलने के बाद ही उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सभी के सवालों के जवाब देंगे। इसी बीच में कल आदिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लोगों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि राखी सावंत का अभी तक तलाक नहीं हुआ था, उनके पहले पति से उनकी अभी तक शादी बरकरार है और रितेश के साथ उनकी शादी हुई थी, जिनका अभी तक कोई तलाक नहीं हुआ है। और इसके अलावा भी मेरे पास और भी थोड़े विटनेसेस हैं जहां वो इंटीमेट चीजों में है रितेश के साथ, बट आई एम नॉट अलाउड टू शो दोस थिंग्स अकॉर्डिंग टू द माय एडवोकेट, और लीगली मैं नहीं दिखा सकता। बट आई हैव लॉट मोर थिंग्स अबाउट राखी सावंत। यूके में वो क्या कर रही थी, किस कमरे में थी, किस वक्त थी, वो भी आज की डेट में मेरे पास है। लॉबी के वीडियोस है मेरे पास, जब रितेश आ रहे थे किसके नाम पे रूम बुक था, एवरीथिंग आई हैव इट, एवरीथिंग। इसके अलावा उन्होंने इस बात को लेके भी कहा कि राखी सावंत ने मुझे एक ऐसी नशे की दवाई दी थी जिसमें उन्होंने मुझसे सवाल पूछे थे। कई सारी बातों को लेके उन्होंने मुझसे सवाल पूछे और जब मैंने उनके जवाब दिए उसके बाद से उन्होंने उन सब चीजों को रिकॉर्ड किया था। राखी ने मुझे ड्रग किया था, एक टैबलेट दिया था, मैं एकदम कुछ ऐसे नशे जैसा होता ना ऐसे इसमें हूँ। और उस वीडियो में आप देखो कि मैं टैबलेट्स ले रहा हूँ, सर की दर्द के टैबलेट्स खा रहा हूँ और राखी मुझे सवाल पूछते जा रही है और मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे बहुत सरदर्द हो रहा था और मैं टैबलेट्स ले रहा था। इसके अलावा कुछ और सवालों के जवाब भी आदिल ने दिए थे। उन्होंने कहा था कि मैं राखी सावंत को गुच्ची के कपड़े दिलवाता था, H&M के दिलवाता था, अरबानी के दिलाता था, इतने सारे ब्रांड्स के कपड़े दिलाए, दुबई में घर लिया, उसके अलावा राखी सावंत के लिए इतना पैसा खर्च किया, उन पर इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ क्या किया। आप खुद बताइए, क्या ये कहानी सही है, क्या ये उनका करना सही है? और इसके बाद अब वो मुझे कह रही है कि मेरे को उन्हें 1.5 करोड़ रुपये वापस करने हैं। राखी के साथ अच्छा टाइम बिताना, राखी के ऊपर लाखों रुपए लुटाना, राखी के कपड़े ड्रेसिंग सेंस जो राखी हर हमेशा बोलती थी आदिल मेरे कपड़े डिजाइन करता है, उसको लेके जाके बीवी के नाते दुबई मॉल में लेके जाके गुची, प्रहडा, लुई वितो, मोगला ऐसे ब्रांड्स में कपड़े दिलवाता था, एक एक ड्रेस 1-1 लाख की। इस बारे में ये जो आदिल हैं उन्होंने ये भी कहा कि मैंने राखी पे इससे ज्यादा पैसा लगाया था और मेरे पास इनका रिटर्न प्रूफ भी है, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में चल रहे हैं राखी सावंत के पति आदिल। इसी के अलावा उन्होंने बोला कि मारपीट की अगर बात की जाए तो मैंने कोई मारपीट नहीं की है, मैं इस्लामिक धर्म से हूँ, मैं मुस्लिम हूँ और हमारे में ऐसे संस्कार नहीं होते हैं, मैं मुस्लिम हूँ, हमारे यहाँ जो है इन सब चीज़ों के लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहा जाता है और हमें हमारे दायरे पता होते हैं, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और आप तो जानते ही हैं वो कोई आम शख्सियत नहीं है, वो राखी सावंत है, अगर उनको कोई गाली भी दे दे तो उसका भी वो मुँह तोड़ जवाब दे देगी। उन सारे सवालों का आदिल ने अब जवाब दे दिया है और सोशल मीडिया पे उनकी जो क्लिप्स हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो चंक्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। इन्हीं में से कुछ क्लिप्स जो है हम शेयर कर रहे हैं। आपको आदिल का ये जवाब कैसा लगता है और कहानी का कौन सा पहलू आपको सही लगता है? क्या राखी ने जो किया वो सही था या क्या आदिल के हिस्से की जो कहानी थी उसको सुनने के बाद आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं।